नमस्कार सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के अमरोहा में लेखपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लेखपाल की बाइक को टाटा मैजिक ने जोरदार टक्कर मारी और हादसे में लेखपाल की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जी सर बताएं। जी आज थाना बचनाऊ क्षेत्र में सुबह एक दुखद घटना घटी है, दुर्घटना घटी है जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक जो कार्यरत लेखपाल था हमारा धनौरा तहसील से संबंधित ब्रह्मपाल, उसकी मृत्यु हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सड़क दुर्घटना में मौत से संबंधित 304A IPC 279 IPC का अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। संबंधित वाहन जिसके द्वारा ये घटना घटी है वो भी कब्जे में है और चालक भी कब्जे में है। इसके कब्जे में सारी कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है। घटी कैसे घटी? ये सुबह सुबह अपने खेत पर जा रहे थे, तो खेत पर जाते वक्त जैसे सड़क पार कर रहे थे तो TCM आई दूसरी तरफ से, उनके से पेड़ पर निकल गए। मैजिक। अच्छा अच्छा, क्या नाम, क्या इनका नाम है? इनका नाम, क्या नाम इनका? ब्रह्मपाल। अच्छा, करते क्या है? ये पहले फौजी थे, अब रिटायर हो गए थे और अब लेखपाल की नौकरी कर रहे हैं। भरतपुर मथुरा गेट थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की खेप ले जाते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आगरा की तरफ से उत्तर प्रदेश की बस के अंदर गांजा लेकर आएंगे। लियाकत नाम का व्यक्ति उसके साथ होना बताया। सूचना के आधार पर हमने इनको नाकाबंदी करके सारा सिराय भी चेक किया। 20 किलो गांजे के लिए कार्रवाई भी चल रही है। तो उन्हें रोका, लियाकत पर इतना इंडोन के पास के रहने वाले विजयपुर रहते हैं। हाँ सर, लाइक करते हैं अभी 36 जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में डोडा विभाग के कर्मचारियों पर कुछ महिलाओं ने रिश्वत खोरी का आरोप लगाया है। इन महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 2.5 लाख रुपए की राशि दिलाने के नाम पर डोडा विभाग के कर्मचारियों ने रिश्वत की मांग। ये रिश्वत की रकम उनकी ओर से अधिकारियों को दे भी दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। सहाना, ये बताइए कहाँ से आई हो आप लोग? अकबरान मोल्ला को अमरोहा से। क्या मामला बताओ? इनके मकान भरे थे हमने, 50,000 की किस्त डाली थी, 50,000 किस्त में हमने 10,000 रुपए इनसे दिलवाए थे और अभी 8 महीना होगा इनका घर नहीं बना, मर रही है, छप्पर ऐसे पड़े, बच्चे सारे पानी में भीगे और नमूनिया बुखार अब भी। और इन्होंने अब ये कह दिया हम पे पैसा नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपसे 10,000 रुपए किस बात के लिए थे? घर के ये कह रहा था 50,000 दे दो, आए को पैसा हम फिर डाल देंगे तुम्हारा जल्दी से। मतलब आपसे किसने मांगे थे पैसे और कितने रुपए लिए? डोडा विभाग ने मांगे थे। किस बात के? ये कह रहा था 50,000 तुम, हम 10,000 हम दे दो, तुम्हारे 50,000 किस्त डलवाई है, आए को 1.5 लाख की किस्त तुम्हारी जल्दी डलवा देंगे 15-20 दिन में। रिश्वत कितनी मांगी थी आपसे? रिश्वत तो 10,000 दिए थे, 10 और जाते 20,000। 2.5 लाख रुपए में 20,000 रिश्वत मांग रहे थे, और भी ज़्यादा मांगे थे? 20,000 की तय हुई थी। कितनी कितनी हैं आप लोग ऐसे? ये इतने हैं, सभी से पैसा लिया है उन्होंने, तो वैसे घर से बेघर फिर रहेंगे बेचारे। कितने का पैसा, कितनी किस्त आई है अभी? एक 50,000। अच्छा, कितनी किस्तें बाकी हैं अभी? दो महिलाएं आई हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि डोडा विभाग में जो है 2.5 लाख रुपए का जो किस्त होती है उसमें 20,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही है। देखो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है और यदि आते हैं तो जांच करा के कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी ने ऐसा कुछ किया उसकी जाँच कराई जाएगी। इसके अलावा जो किस्तें हैं, किस्त रुकी पड़ी है, उसका क्या प्रोसीजर? जो प्रोसीजर नियमानुसार किस्त दी जा रही है, जैसे जिसका स्तर पर पूरा जाता है उसके अनुसार किस्त जारी की जा रही है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया गया, जिसके बाद से ही सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। ऐसे में भला नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया पीछे क्यों रहे? जी हाँ, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी गाजियाबाद में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर सहित सभी जगह उम्मीदवार उतारेगी। सुधीर चौधरी इस नेशनल फ्रंट का संयोजक और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जो सामाजिक संगठन है हमारा, उसका केंद्रीय महासचिव। हम लोगों ने निर्णय किया है कि ये जो मांग है प्रदेश की, इसको बहुत दिनों से पार्टियां ठुकराती आ रही हैं। उन्होंने कईयों ने घोषणा की, जिसमें हरित प्रदेश था, बहुजन समाज पार्टी ने भी इसके लिए प्रस्ताव लाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, हाईकोर्ट की बेंच भी नहीं बनी। तो अब हम लोग लोकसभा में इसको मजबूती के साथ आगे रख रहे हैं
और गाजियाबाद में हमारा एक ही कैंडिडेट उतर रहा है नीचे मैदान में जो चुनाव लड़ेंगे वो हैं श्री अशोक भारती जी, मेरे साथ दाहिनी तरफ बैठे हैं। इनको हमारे इस फ्रंट की एक जो पार्ट है सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, उसने इसको मैदान में भारती जी को उतारा है। बाकी मेरठ क्षेत्र में अभी जो पहला चरण है इसमें 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें चुनाव होगा। इन सभी में हम लोग अगर कांग्रेस हमारे साथ समझौता करती है तो उस पर विचार करेंगे, अदरवाइज सभी 8 क्षेत्रों में हम लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे इसके अंदर। अभी तक आपको कोई चुनाव चिन्ह वगैरह कोई आपने अपना ऐसा बनाया कि जिसके ऊपर आप चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ सकें, क्या वजह रही कि नेशनल फ्रंट को अभी तक चुनाव चिन्ह नहीं बनाया? ये चूंकि ये मोर्चे का गठन हम लोगों का अभी हुआ है, पिछले एक महीने से विचार चल रहा था, तो इसको जो भी चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाएगा उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें हमारी जितनी पार्टियां हैं ना सबकी चुनाव चिन्ह है, वो अपने से लड़ेंगी। एक आपकी समिति के एक सदस्य हैं, हमारे दूसरे सदस्य हैं कर्नल सुधीर चौधरी जी। और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक लंबे समय से पश्चिमी प्रदेश की मांग को यहाँ जनता यहाँ चाह रही है कि पश्चिमी प्रदेश हो, और उसकी आवश्यकता भी है। मगर ये जो भी आज तक अभी तक राजनीतिक पार्टियाँ रहीं वे सिर्फ हमें आश्वासन देती रहीं, झूठी घोषणाएं करती रहीं, हमें जमीन पर आकर के इस निर्माण मोर्चा जो कार्यरत है उसकी समर्थन या उसके साथ कदम ब कदम मिला करके चलने की प्रयास नहीं किया, सिर्फ हमें झूठी वादे देती रहीं। ऐसी परिस्थिति में जब हमने ये महसूस किया कि अब हमारे साथ धोखा हो रहा है तो हमने जो है एक संपर्क अभियान चलाया। आज से 6 महीना पहले से हमने संपर्क अभियान चलाया और छोटी छोटी पार्टियों से हमने संपर्क किया और हमने ये कहा कि आप न्यायप्रिय लोग हैं और आपका भी एक तरह से जो राजनीति में भागीदारी नहीं हो पाई है आपको जो है वंचित रखा गया है, ऐसी परिस्थिति में आप आगे आएं और हम आपके साथ कदम ब कदम मिला के चलना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ रहें। तो उन लोगों ने पूर्ण रूप से हमारा समर्थन किया कि हम सिर्फ आपके साथ झूठी घोषणा नहीं करेंगे बल्कि हम आपके संघर्ष के साथ उतरेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है हम उन्हें लेकर के इस नेशनल जो फ्रंट है इसका हमने बुनियाद डाला और इसमें अभी हमारे पास जो है 12 पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ही संघर्ष में शामिल हो चुकी हैं और कुछ 3 पार्टियां ऐसी हैं जो प्रदेश लेवल पर हमारी समर्थन कर रही हैं और 22 जो संगठन है सामाजिक संगठन वो भी हमें समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमने जो है कुछ मुद्दों को चिन्हित किया है, जैसे सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय आज आजादी के बाद से लेकर अब तक अब चंद लोगों के हाथों में सत्ता रही और इन लोगों ने मुट्ठी भर लोगों ने जो है शोषण करने का काम किया और समाज के जो दबे कुचले वंचित लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनको राजनीति में भागीदारी भी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में आज शिक्षा की स्थिति यह है कि शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। समाज की स्थिति यह है, समाज में भयावह स्थिति पैदा हो गई है और एक तरह से जो पुलिस आतंक के साये में जो है हमारी समाज के लोग सांस ले रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आज पर्यावरण भी प्रदूषित है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। करीब 27 जिलों में ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो के अंदर जो है पोल्यूशन इस तरह से हो गया है कि यहाँ की जल वायु के साथ साथ हमें भोजन भी विषक्त रूप से लेना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ऐसी स्थिति में इन सारी समस्याओं को लेकर के आज देख रहे हैं कि संसद में जो है 38% और विधानसभाओं में जो है 42% जो है आज वैसे लोग बैठे हुए हैं जो जिन पर अनेकों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो हम यूपी में जो लड़ रहे हैं मुख्यतः 60 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। यहाँ गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 27 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, उधर हम लखनऊ हरदोई और सुल्तानपुर तक लड़ने जा रहे हैं, हम बनारस तक लड़ने जा रहे हैं। अभी कुछ जिले ऐसे हैं जो जैसे हमारा गोरखपुर है या पश्चिमी जो पूर्वी क्षेत्र में बलिया वगैरह है वहाँ अभी हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हम बिहार में भी एक छपरा से उम्मीदवार उतार रहे हैं, हम दिल्ली में भी उतारेंगे अपने फ्रंट से। और जहाँ अभी हमारे जो उम्मीदवार नहीं होंगे वहाँ पर हम अभी विचार कर रहे हैं। मुख्यतः अभी हमारी जो है प्रथम प्राथमिकता जो है हम कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, हम कांग्रेस से वार्तालाप करेंगे। अगर कांग्रेस हमें सम्मान देगी, अगर कांग्रेस जो है हमें उचित अलायंस पर तैयार होगी तो हम जो है सबसे पहले कांग्रेस को देखेंगे।
अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस ने हमें इनकार किया या हमें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर पुनः हमारी जो फ्रंट के लोग हैं, जो हमारे जितनी पार्टी के लोग हैं, वो मुख्यतः बैठ करके हम डिसीजन लेंगे कि हमें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग है, पूर्णतः उसको पूरा किया जा सके। आई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोषणा किया है, आश्वासन दिया है। हमारी जो संघर्ष समिति, जो हमारे कर्नल सुधीर चौधरी और सतपाल यादव अध्यक्ष बारिश सुशन गाजियाबाद, इन लोगों ने जो एक कठिन कठोर कदम उठाया है और तन मन धन से त्याग दिया है, ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने कहीं कोई साथ नहीं दिया है। सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, तभी जाके इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए हमें जो है इस फ्रंट को बनाना पड़ा, और ताकि अन्य मुद्दों के साथ हम जुड़ करके जो है इस नेशनल फ्रंट को आगे बढ़ाएं। अब आगे की हमारे दूसरे संयोजक, हमारे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में हर जगह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। अगर बात की जाए यूपी के सिद्धार्थनगर की, तो यहां एसएसबी और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एसएसबी ने चेकिंग के दौरान करीब 5 लाख रुपए की कीमत की 59 बोरी मटर दाल बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये मटर दाल नेपाल से भारत लाई जा रही थी। सिद्धार्थनगर के बिजली विभागों में संविदा पर तैनात बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को बिजली की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। हड़ताली विद्युत कर्मियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनके परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। परेशान है, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है और 48 घंटे से लाइट नहीं है, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं? जी, ये तो आपकी बात सही है कि जनप्रतिनिधि, इस समय आपका आचार संहिता लागू हो चुका है और मैं इस आचार संहिता का उल्लंघन, इसमें आंदोलन कोई नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हम अपने विद्युत कर्मचारियों से जो मानदेय पर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से करें और उनकी व्यवस्था पारित की जाए। निविदा संघ कर्मचारी संघ पूर्वांचल संगठन मंत्री सुन शुक्ला बोल रहा हूँ। इसमें बात धरने का मकसद यह है कि हमारा 2017 में 9 लोगों का जो है आज तक पीएफ हिस्सा आई है, उसके बाद जो है पूरा वेतन आज तक भुगतान 2017 का बकाया है, प्लस उसके बाद 2018 में पूरा बकाया वो भी चल रहा है। अभी तक हमारे अधिकारियों द्वारा कोई जिस पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, इसलिए हमारे धरना प्रदर्शन का मकसद यही है। आखिर आपको वेतन कितने माह से नहीं मिला है? वेतन हमारा कई माहों से, विगत कई वर्षों से बाकी है। तो आखिर इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? 2019 इसके लिए जिम्मेदार हमारे उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिवीजन तो था नहीं, दिनों से लाइन नहीं है, पूरी बिजली व्यवस्था एकदम ध्वस्त पड़ी हुई है और संविदा कर्मियों के वेतन न देने के कारण ये स्ट्राइक चल रही है, जिससे आम जनमानस अस्त व्यस्त है। ना मोबाइल चार्ज हो पा रहा है, ना पानी की भी किल्लत बिजली के नाते से हो रही है, इसलिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीच में चुनाव है और संविदा कर्मी हड़ताल पे हैं, क्या किसको आप दोषी मानते हैं इसका? दोषी तो सर ये बिजली विभाग के अधिकारियों को ही माना जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मी जो है काम करने के बावजूद उनका ये इसमें नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में रोष भी रहेगा, असुविधा भी रहेगी। आपको 48 घंटे से बांसी में बिजली नहीं मिली है, क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? पूरी दिक्कतें हो रही हैं, पूरा जनमानस त्राहिमाम कर रहा है और ये अधिकारियों की मिली भगत से जो है हम लोग जनता त्रस्त हो रही है और सरकार की नीतियों को फेल करके ये लोग आपस के उसमें जो है विवाद में जनता को त्रस्त कर रहे हैं और अब जनता का गुस्सा उफान पे आ गया है। किसी भी समय कोई भी वारदात हो सकती है अगर जो इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।